हेलो फ्रेंड्स, आज है 26 फरवरी 2022 और आज के दिन से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताएंगे, तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत किस कंपनी ने की? आंसर IBM। IBM कंपनी ने अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट, दूसरा बांग्लादेश फिल्म उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर अगरतला में। दूसरा बांग्लादेश फिल्म उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अगरतला में किया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडियन ऑयल मतलब थर्ड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में किसे शामिल किया गया? आंसर सुजॉय चौधरी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में सुजॉय चौधरी को शामिल किया गया। किस राज्य ने ही कचरे के निपटान हेतु देश के पहले ई वेस्ट ईको पार्क को मंजूरी दी? आंसर दिल्ली। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौशेदा ने आपातकाल लागू करने की घोषणा की? आंसर लिथुआनिया। नेक्स्ट, नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश राज्य में कितने करोड़ रुपए की लागत से 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी? आंसर 5,722 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट, किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया? आंसर ईरान। नेक्स्ट, IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किसे सहायक कोच के पद पर नियुक्त किया? आंसर अजीत अगारकर। नेक्स्ट, अश्व फाइनेंस ने ग्राहकों के स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया? आंसर एडलवीज जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर अश्व फाइनेंस ने स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए समझौता कर लिया है। नेक्स्ट, किसने भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन उद्घाटन किया? आंसर जी किशन रेड्डी ने देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, डिश टीवी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? आंसर ऋषभ पंत। नेक्स्ट, किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल एप्लीकेशन लॉन्च किया? आंसर गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने बहुपक्षीय अभ्यास मिशन 2022 कब शुरू किया? आंसर 25 फरवरी। नेक्स्ट, किसने दिल्ली मुख्यालय को निषिद्ध स्थान घोषित किया? आंसर SPMCIL ने। नेक्स्ट, संस्कृत मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम एकम भारतम के दौरान वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून किसने जारी किया? आंसर रिकी गेज और विक्रम घोष ने। नेक्स्ट, निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? आंसर मुंबई में। नेक्स्ट, BPCL ने दोपहिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु किसके साथ समझौता किया? आंसर हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? आंसर रोहित शर्मा। नेक्स्ट, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? आंसर 24th मार्च। 24th मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, रेट्रो टैक्स विवाद को निपटाने के लिए भारत ने केयर्न एनर्जी PLC को कितने करोड़ रुपए दिए? आंसर 7,900 करोड़ रुपए दिए हैं। नेक्स्ट, PM किसान योजना की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कितने रुपये किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए? आंसर 1.80 लाख करोड़ रुपए, जो तीसरी वर्षगांठ बनाई गई है PM किसान योजना की, उसके अंतर्गत 1.80 लाख करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। नेक्स्ट, IBM ने किस शहर में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया? आंसर बेंगलुरु। IBM ने बेंगलुरु शहर में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया। नेक्स्ट, भारत को फ्रांस ने कितने नए राफेल फाइटर जेट फरवरी 2022 में दिए? आंसर 3। नेक्स्ट,
मूडीज ने 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर 9.5%। नेक्स्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया? आंसर नितिन परांजपे। नितिन परांजपे ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट, IDBI बैंक के MD और CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा को IDBI बैंक के MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, आइकिया इंडिया ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया? आंसर सुजैन पुलवरर। आइकिया इंडिया ने अपनी पहली महिला CEO नियुक्त किया है। आंसर सुजैन पुलवरर। कितने जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया? यानी कि धरती मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया, तो 5 जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस देश में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन किया गया? आंसर दुबई में। दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, RBI ने PC फाइनेंशियल के किस मोबाइल एप्लीकेशन पर लगाया? आंसर कैशबिन पर। RBI ने PC फाइनेंशियल के मोबाइल एप्ली कैशबिन मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। US बोइंग ने भारत को कौन सा P-8I समुद्री गश्त विमान सौंपा? आंसर 12वां। US बोइंग ने भारत को कौन सा P-8I समुद्री गश्ती विमान सौंपा? आंसर 12वां। नेक्स्ट, लॉन्च पुस्तक द ग्रेट टेक गेम के लेखक कौन है? आंसर अनिरुद्ध सूरी। जो पुस्तक लॉन्च हुई है द ग्रेट टेक गेम, इसके लेखक कौन है? अनिरुद्ध सूरी। वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।